पराठे बनाने के लिए मैंने गोभी ली है। मीडियम साइज गोभी को चॉप कर लिया है, पतले साइज में काट लिया है। ये देखिए, चार आलू, मीडियम साइज आलू को मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। दो प्याज को चॉप कर लिया है, बिल्कुल कुतर लिया है। और जो मसाले हैं वो हाफ टेबल स्पून जो है, आधा चम्मच आपकी काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून आपका जो है यहाँ पर हल्दी है, थोड़े से साबुत जीरा लगेंगे हमें, रिफाइंड ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, और व्हीट फ्लोर, मैंने 2 कप व्हीट फ्लोर यहाँ पे लिया है। तो आइए इसकी बनाने की विधि बताती हूँ मैं। ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने के बाद पहले हम अपना गैस ऑन कर लेंगे, और मैंने अपना पैन इस पर चढ़ा दिया है। पैन को गर्म होने रखेंगे। अराउंड 2 टेबल स्पून ऑयल, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, हमें इसमें डालने हैं। मिक्स करेंगे अच्छे से। गैस फ्लेम थोड़ा तेज रखें। इसके बाद हम इसमें जो जो चीज़ें डालेंगे वो है हमारा ज़ीरा। हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, ये देखिए, 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून, ये देखिए, इसको चटकने देंगे अच्छे से। जब तक ज़ीरा हमारा चटक रहा है, ये देखिए अच्छे से चटक रहा है। अब हम गोभी लेंगे। गोभी मैंने अच्छे से काट कर इसे हल्की से गर्म पानी में वॉश किया। मैं जनरली वो फूल गोभी हमेशा गर्म पानी में वॉश करती हूँ, और से अच्छे से सफाई हो जाती है इसकी दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं प्याज लूँगी, प्याज नरम होने के लिए डालने होते हैं ना, तो पहले प्याज लूँगी। ये 4 कटे हुए प्याज, जैसे मैंने बताया था, मीडियम साइज़ प्याज हैं, इसे डालूँगी मैं यहाँ दोस्तों। ये देखिए हमने डाल दिया इसमें, और फिर हम इसे चलाएंगे। सर्दियों में किसके यहाँ नहीं बनता, तो ये सबके यहाँ बनता है। मैं अपना स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, स्टाइल से मैं बनाती हूँ, मेरी मदर्स बनाती हैं, मैं बनाकर अपने सालियों को खिलाती हूँ। इसे हम हल्का सॉफ्ट होने देंगे, स्लाइट सॉफ्ट होने देंगे। तो उसके लिए हम इसे ढकेंगे, थोड़ा सा ढक देंगे, थोड़े देर के लिए ढकेंगे हम। तो जलने का डर होता है दोस्तों कई बार। ये देखिए प्याज ने अपना रंग छोड़ दिया है, बिल्कुल ये लाइट पिंक हो गया है, सॉफ्ट हो रहा है ये, क्योंकि गोभी को भी पकने में टाइम लगता है। तो अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे इस तरह से। ये देखिए गोभी ऐड कर दिया मैंने सारा, अब इसे भी चलाएंगे दोस्तों। अच्छे से मिलाएंगे गोभी को प्याज में डालने के बाद। फ्लेम मीडियम रखें तो गोभी जल जाएगी और पकेगी भी नहीं आपकी, ये पकनी चाहिए ताकि वो कच्चा पन ना रहे। हमें गोभी सिझा ही लेनी है इसमें। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक जो है वो ध्यान से ऐड करें, क्योंकि हमें आटे में भी नमक डालना है, तो ज़्यादा नमक हमें यूज़ नहीं करना, नहीं तो फिर बहुत नमक हो जाएगा इसमें। चलाएंगे ऐसे, और थोड़ा देर इसे पकाएंगे। अब हमें इसे पकने देंगे थोड़ा सा, से क्या स्थिति है इसकी। हाँ, तो गोभी का रंग बदल रहा है। अभी ये और इसमें लगेगा टाइम। तो अब मैं वो स्टेज है जब हम यहाँ पर हल्दी ऐड करेंगे अपना, ये हल्दी और काली मिर्च। मैं चम्मच से ले रही हूँ, पूरा नहीं डाल रही, बहुत ज़्यादा हल्दी हल्दी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता।
अच्छे से मिलाएं, अच्छे से मिलाएंगे, बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। और काली मिर्च डाल रही हूँ मैं आप दोस्तों इसमें, ये देखिए वाओ। इसमें मिला देंगे और इसे काली मिर्च मैं बचा के रख रही हूँ, मैं डालूँगी बाद में। इसे मिलाएं, वापस थोड़ी देर के लिए ढकेंगे इसे दोस्तों, ढक दें। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आए और आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें इस पर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें प्रियंका स्वर्णकार यूट्यूब चैनल। इसमें से भाप निकलना शुरू हो गया है, चलिए देखते हैं कितना पका है। ये कलर चेंज हो रहा है दोस्तों देखिए। स्टर कर ले, थोड़ा सा चला लें, बैठ ना जाए नीचे। फिर देखिए गोभी हमारी गलनी शुरू हो गई है और लाल भी हो रही है। चलाएंगे और अब हम इसमें दोस्तों थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, स्वाद के साथ में डालिएगा। देखिए हमारी जो गोभी है वो गल रही है, अच्छे से मैश हो रही है, आप देख सकते हैं ना। अब हमें यहाँ पर जो हमारे बॉयल्ड आलू थे वो डालना है। अब हम यहाँ पर बॉयल्ड आलू डालेंगे। ये जो मैंने लिया था चार बॉयल्ड आलू को मैंने मैश कर लिया था, वो मैंने डाल दिया है। अब इस स्टेज पे ये आलू हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे पराठे तो गोभी की बन रही थी तो फिर आलू किस लिए? तो ये दोस्तों एक्चुअली है क्या कि हमारा जो आलू है वो काफ़ी अच्छा बाइंडिंग देता है हमारे स्टफ़ को और बाइंड हो जाता है अच्छे से, और आपके पराठे जो हैं वो फटते नहीं हैं, प्रॉपर होते हैं इसीलिए। और आलू तो किसी पसंद नहीं है, आलू ऐसी चीज़ है जो और किसी को पसंद है और आलू हर चीज़ में मिक्स हो जाता है। तो अगर आप मैं आलू इसलिए डालती हूँ कि काफ़ी अच्छा बाइंड देता है ये मेरे स्टफ़ को, और फिर मुझे स्टफिंग के टाइम में पराठे में बहुत ईजी होती है। जिन्हें नहीं पसंद है वो आलू ना डालें, पर हमारे घर में जनरली सबको भरे भरे और गोभी के पराठे काफ़ी पसंद है तो इसलिए आलू में डालती हूँ ताकि वो और मज़ेदार बन जाए। और ये देखिए दोस्तों ये डालने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, मैं नज़र से खाती हूँ आपको। गरम मसाला ऐड कर लेने के बाद अच्छे से मिलाएंगे। बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। आप चाहें तो इसे फ्लेम पर से उतार के भी अच्छे से मैश कर लें। अब मैं इसे फ्लेम पर से उतार कर कन्वर्ट कर लेती हूँ बाउल में। ये देखिए ये हो चुका है, ये हमारा स्टफ बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कलर भी काफ़ी अच्छा और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है इसमें से। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में और फिर वहाँ उसमें अब भी आप मैश कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये पैन काफ़ी गर्म हो गया है। तो अब हम इसे निकालेंगे, एक दूसरे बाउल में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए इसे अच्छे से मैश करना है, बिल्कुल स्मूथ कर लें। इससे आपका जो है बैटर जो स्टफ आप डालिएगा, देखिए मैंने कन्वर्ट कर लिया इसे बाउल में और इसको बिल्कुल हाथ से मिलाते हुए स्मूथ कर लेना है। आप स्पून का यूज़ भी कर सकते हैं, ये थोड़ा गर्म है अभी, मैं हाथ का यूज़ कर रही हूँ। और स्मूथ कर लेने से क्या होता है कि जब आप इस स्टफ़ को अपने पराठे में भरेंगे तो आपका पराठा बेलते वक्त नहीं फटेगा दोस्तों। इसको अच्छे से कर लेना है स्मूथ, बिल्कुल मैंने कर लिया है। ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल स्मूथ कर लिया है,
प्लेट में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसकी इसका जो आटा है वो रेडी करेंगे। अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। सॉल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, हमने अपने स्टफ में भी सॉल्ट ऐड किया है, तो सॉल्ट थोड़ा ध्यान से ऐड करिएगा इसमें। और इसमें मैं अजवाइन डाल रही हूँ। तो हमने जो आटा लिया है उसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और नमक अपने स्वाद के हिसाब से लिया है और 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें अजवाइन लिया है। ये ऑप्शनल है दोस्तों, आपकी इच्छा हो तो आप डालें, मैं जनरली हमेशा डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अब इसे हाथ से अच्छे से हम मैश करेंगे और अच्छे से डो रेडी कर लेंगे। ऐसे करते हैं। ये दोस्तों मैंने आटा लगा लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट मैंने डो रेडी किया है। अब इसके लोई रेडी करेंगे इस तरह से और उसके बाद मैं इसमें स्टफिंग भर के दिखाऊंगी। तवा सेट कर दिया है गर्म होने के लिए और आइए अब हम इसमें अपना स्टफिंग भरेंगे इस तरह से। तो मैंने ये पराठा बेल लिया है, तावा भी हमारा रेडी है, तो आइए इसे तावे पे डालें। ये देखिए दोस्तों काफी अच्छा बिला है और कहीं से भी आपको मेरा पराठा जो है वो फटता हुआ नजर नहीं आएगा। दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे इसे हम। और गोभी के पराठे जो हैं लोग दही के संग खाना पसंद करते हैं, अचार के संग पसंद करते हैं और बहुत सारे लोगों को ये चाय के संग भी पसंद आता है, मैं भी खाती हूँ। अब इसे टर्न कर लेते हैं, सेक लेंगे इस तरह से दोनों तरफ से। मैंने थोड़ा तेल ऐड किया है इसमें। अच्छा तेल लगाएंगे पराठे पे। कितना लजीज दिख रहा है देखिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं, मैंने एक प्लेट में निकाल लिया इसे। अब चलिए मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये रहा हमारा गोभी का पराठा अचार और सॉस के साथ। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं, मैं इसे ऐसे ट्राई कर रही हूँ आज। और आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ प्रियंका स्वर्णकार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें, इंकरेज करें ताकि मैं और भी रेसिपीज़ आपके संग शेयर कर सकूं। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय दोस्तों।